अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करें। जब मैं अपनी इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कर रहा था तो फाइनल ईयर में हमारे एक इंस्ट्रक्टर थे, वो भी सेलिंग चीफ इंजीनियर रह चुके थे अपने टाइम में, तो उनके शरीर पे काफ़ी बर्नड मार्क्स थे, तो उनको एक्चुअली सेलिंग के टाइम पे इंजरी हुई थी जिसके लिए काफ़ी उनको मल्टीपल सर्जरीज करनी पड़ी। और वो सब्जेक्ट भी पढ़ाते थे सेफ्टी के ऊपर, और वो एक मेंशन करते थे कि ये उन्होंने लाइफ में कभी नहीं सोचा कि उनके साथ ऐसा हो सकता है, तो वो हमेशा स्ट्रेस देते थे इसके बारे में। तो ये हम लोग को कहीं ना कहीं, जैसे इंजीनियरिंग की पढ़ाई तो हम सब करते हैं, बट ये बात जो उन्होंने बोली तो ये कहीं ना कहीं हमको सबकॉन्शियस माइंड में चली गई कि ये हमको कुछ ना कुछ एक अपने लिए सेफ्टी बनानी चाहिए। जैसे उनके लिए काफ़ी कुछ खर्चा भी हुआ उनके ऑपरेशंस पे, और उस इंजरी के बाद वो दोबारा सेल नहीं कर पाए, तो इनकी इनकम भी बंद हो गई थी। तो मैं कॉन्टैक्ट में आया सर के, तो फिर उस बारे में मैंने बात भी करी थी, तो उन्होंने भी वो चीज़ हाईलाइट करी कि इंश्योरेंस काफ़ी ज़रूरी है, ठीक, क्योंकि वो जो डर रहता है और हर एक आदमी में अनसर्टेनिटी रहती है, वो डर रहता है कि हमको अगर कुछ हो गया तो जो जैसे हमारी फैमिली है उनको क्या, कैसे उनको आगे देखेंगे। तो वो बेसिस पे मैंने सोचा था कि मुझे अपना लाइफ इंश्योरेंस करना है, तो मैंने सर से कॉन्टैक्ट किया। फिर मैं 23 ईयर्स का था जब मैंने फर्स्ट इंश्योरेंस अपना लिया, और मैं रेगुलरली फॉलोअप करते रहता हूँ, उनसे मिलता हूँ, जब भी मैं साइन ऑफ करके आता हूँ तो जानता हूँ और चीज़ों के बारे में, कुछ कैंसर की पॉलिसीज़ है, तो क्योंकि अभी हाल देखेंगे हम आसपास में अपने फैमिली में भी, तो काफ़ी लोगों को पहले सुनने में नहीं आता था कैंसर के बारे में, अब तो इतना कॉमन हो गया है, तो मैंने अपने फैमिली में भी सारे मेम्बर्स के लिए ले रखा है कैंसर की पॉलिसीज़। और वैसे ही फाइनेंशियली हम कहीं डालने की भी सोचे पैसा, तो अभी आप सबको भी पता है कि जैसे कोई बैंक है वो बैंकरप्ट हो रहे हैं, कहीं पैसे डूब रहे हैं, तो आप अभी अपना हार्ड अर्न मनी कहाँ डालोगे। तो जो इंश्योरेंस केस में मैंने इन्वेस्टमेंट भी किया है क्योंकि इसकी रिलायबिलिटी देख के, तो मैंने उसमें अपना पैसा रखा है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मेरी सोच है पर्सनली, कि इंश्योरेंस जो मेरा फैमिली का बैकअप हो गया, दूसरा है इन्वेस्टमेंट, मुझे पीस ऑफ माइंड है कि कल को मैं अगर रिटायर होना चाहता हूँ तो मुझे अभी कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि मैंने थोड़े लंबे टाइम से मैं कर रहा हूँ तो एक फ़ंड बना के रखा है, मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए भी मैंने एक फ़ंड डेजिग्नेट कर रखा है, और अपने रिटायरमेंट के हिसाब से भी मैंने फ़ंड डेजिग्नेट कर रखा है, तो मुझे अभी बहुत ज़्यादा डर नहीं है कि भाई मेरा पैसा और कहीं चला जाएगा, डूब जाएगा, क्योंकि मैंने एक अपना सेपरेट फ़ंड बना रखा है। Thank you for watching. Don't forget to subscribe.